Amateurs think about how much money they can make. Professionals think about how much money they could lose. The psychology of trading, the psychology of mindset. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 16th of November 2022। डॉलर इंडेक्स अभी है 106.62। कल एक पिन बार फॉर्मेशन हुआ है। ये पिन बार क्या है? जहां पे लेंथ ऑफ द टेल इज डबल और मोर देन द डबल ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ द कैंडल। यहाँ पे आप देखोगे विक्स का कितना लंबा है, जो मेन बॉडी से मोर देन डबल है। दैट इज कॉल्ड ए पिन बार, ए हैमर। व्हाट इट सिग्निफाइज? बेसिकली ये सिग्निफाई कर रहा है कि लोअर लेवल पे प्राइस रिजेक्शंस हो चुका है। वन मोर कॉन्सेप्ट इज देयर इज दैट यहाँ पे देखिए कि प्राइस यहाँ तक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे फर्स्ट बाई, फर्स्ट बाइंग पे हमें लॉन्ग पोजीशन सेटअप नहीं करना है। उसके बाद लेट ए रेड कैंडल टू बी फॉर्म, जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है। उसके बाद इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे भी आप देखोगे इतना शार्प फॉल के बाद वी आर लुकिंग फॉर ए रिट्रेसमेंट। अभी ये जो रिट्रेसमेंट है, क्या ये 108 तक जाके फिर नीचे रिवर्स करेगा या 109.50 से 109.75 तक जाके उसके बाद नीचे का डाउनवर्ड मूव करेगा, ये हमें आने वाले दिनों में देखना है। एंड एज ऑफ नाउ द प्राइस एक्शन है, कल का जो पिन बार है, दैट शोज कि लोअर लेवल पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है। दैट बीइंग द केस, कल के हाई के ऊपर डॉलर इंडेक्स अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। And which is in line with our expectations कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर में जाके फिर रिट्रेस करेगा। So, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि क्या प्राइस 108 जा रहा है या नहीं, या 109.50 से 109.70 तक जा रहा है या नहीं। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी है डॉलर रुपी। डॉलर रुपी कल जो हाई मारा है वो है आपका 81.45। उससे पहले जो हाई मारा था वो था 81.27। और नीचे के तरफ आप देखोगे कि पहले का जो 80.00 से 80.20 का या 30 का जो हाई था वो रेजिस्टेंस लेवल था। आप अगर जुलाई 14 जुलाई से आप 21 सितंबर तक 2 महीने का एक प्राइस मूवमेंट देखोगे तो यहाँ पे एक जबरदस्त रेजिस्टेंस आया था एंड उसके ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर गया है। दैट बीइंग द केस, ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसका रोल रिवर्सल होने वाला है। दैट मींस पहले जो रेजिस्टेंस था अभी यहाँ पे सपोर्ट होने वाला है। ऐसे भी आप देखोगे कि ये आपका 80.4546 से 2 दिन ऊपर बाउंस किया है। और सो यहाँ पे ये जो आपका टू बी प्रेसाइज 79.90 से 80.20 ये जोन एक सपोर्ट जोन है। इस लेवल पे अगर आता है तो हमें थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप के लिए हम नॉट इट विल नॉट बी ए पोजिशनल बिल्डअप बट इट विल बी ए कॉन्ट्रैक्ट रेट। यहाँ पे हम बाई करके फिर अपवर्ड के लिए सोच सकते हैं। इन द मीन टाइम क्या हो रहा है, ये आपका 81.4050 के आसपास रेजिस्टेंस लेने का कोशिश कर रहा है। ये जो एक शार्प फॉल आया 83 से 81.50 तक, उसके बाद फर्दर सेल ऑफ के लिए एनर्जी बच नहीं रहा है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पर भी एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड था। जो हमारा मंडे या ट्यूसडे का एनालिसिस में आप देखोगे ये रिट्रेसमेंट कहाँ पे जा सकता है, दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। जहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि 81.4050 नहीं तो 81.8090, दीज आर द टू प्रोबेबल एरिया जहाँ पे प्राइस
रिट्रेस कर सकता है। और एज ऑफ नाउ हमने देखा है कि 81.4050 वाला रेजिस्टेंस लेके बार बार नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे प्राइस को और थोड़ा बिल्डअप होने दीजिए, प्ले अराउंड करना करने दीजिए टू हैव ए बेटर पोजिशनल व्यू, टू हैव ए बेटर डायरेक्शनल व्यू। और इंट्राडे पर्पस में आप कभी भी ऊपर में जाके शॉर्ट कर सकते हो एंड 10-15 पैसे का टीपी आराम से ले सकते हो, बट दैट इज नॉट पोजिशनल बिल्डअप, दैट इज ओनली ए इंट्राडे सम सेटअप जहां पे आप लॉन्ग साइड से भी ट्रेड कर सकते हो एंड शॉर्ट साइड से भी ट्रेड कर सकते हो एंड इंट्राडे में पैसे बना सकते हो। सो दैट इज वन एस्पेक्ट। बट हियर हमारा जो प्रयास है एक पोजिशनल बिल्डअप के लिए, क्या ये उस डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, एक ट्रेंडेड डायरेक्शन, उसके लिए हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी देखते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर आप कल देखोगे एक आप मारा है 1.2090 का, ये कहाँ पे प्रीवियस जो एक लाइन था रेजिस्टेंस लाइन वहां पे जस्ट टच करके एक प्राइस रिजेक्शन हुआ है एंड क्लोज एट 1.1862, यानी करीबन आपका 120 पिप्स का डाउनवर्ड, ऊपर से टॉप से 120 पिप्स नीचे आके क्लोज दिया है। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्ले अराउंड हम आशा कर सकते हैं। प्ले अराउंड में नीचे की तरफ सपोर्ट हमारा जो एंटीसिपेटेड हो सकता है वो है आपका 1.1600 से 1.1660 के बीच में एक सपोर्ट बिल्डअप हो सकता है। सो पोजिशनल वे पे अगर प्राइस आपका यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर बिल्डअप करता है ऊपर की तरफ, ये और भी बढ़िया सा पोजिशनल डायरेक्शनल मूव हो सकता है। जीबीपी आईएनआर में आप देखोगे ये कंटिन्यूअसली हायर है, हायर लो फॉर्मेशंस बना चुका है। अभी ये कल परसों जो था एक स्पिनिंग टॉप बनाया था एक रेजिस्टेंस लेवल पे, कल एक अच्छा खासा अपमूव दिया है। अपमूव देने के बाद ये एरिया पे क्या कौन सा एरिया है आपका 96.5060 एरिया पे रेजिस्टेंस लेवल, इसको अगर ऊपर जाना है तो कल के हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। यूरो डॉलर में हम देखेंगे तो कल एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन आया है और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है 1.0375 के आसपास वहां पे बरकरार है। तो इस एरिया पे आने के बाद हमारा तीन प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं, एक डायरेक्टली जूम करके ऊपर की तरफ जाने का, एक डायरेक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके शार्प फॉल होने का एंड तीसरा वाला प्राइस कंसोलिडेशन होने का। यहाँ पे डेली बेसिस पे हमें इंतजार करना है कि प्राइस कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम प्राइस को, प्राइस बिहेवियर को, प्राइस पैटर्न को समझने का कोशिश करेंगे तो हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल सकता है। यूरो आइनर में भी हायर हाई हायर लो बरकरार है एंड कल ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ऊपर गया है, लेकिन ये जो कल का जो कैंडल है ऑल्दो इट इज अ ग्रीन कैंडल बट अब हायर लेवल पे प्राइस रिजेक्शन हो चुका है। दैट इन द केस जब तक इसके हाई को नहीं तोड़ता है थोड़ा सा अपटिक में हम इंट्राडे पर्पस में सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा इंट्राडे पर्पस में एक हो गया सेलिंग के लिए, अदरवाइज बाय डीप हम फॉर ए पोजिशनल सेटअप कर सकते हैं। डॉलर येन में आप देखोगे कि यहाँ पर भी एक पिन बार फॉर्मेशन आया है, जैसे कि हमारा डॉलर इंडेक्स में आया है वैसा ही डॉलर येन में भी एक पिन बार फॉर्मेशन आया है एंड ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था उसमें सपोर्ट ले रहा है। दैट मीन द केस ये तीन बार के हाई के ऊपर डॉलर येन थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है। ऊपर की तरफ जाएगा तो कहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना सकता है, द प्रोबेबल एरिया इज 142.00 से 142.50 के बीच में एक प्रोबेबल रेजिस्टेंस बना सकता है। उसके बाद का जो रेजिस्टेंस हो सकता है ये 145 के आसपास। तो ये जो ऑप्टिक मारेगा दिस इज द पार्ट ऑफ द डाउनवर्ड मूव, ये एक डाउनवर्ड मूव आया है यहाँ पे, फिर आप जो मारेगा इट इज अ पार्ट ऑफ द डाउनवर्ड मूव, इट इज नॉट अ होल रिवर्सल या ट्रेंड रिवर्सल। ये यहाँ पे आके फिर नीचे आएगा तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड हेल्दी ट्रेंडेड
मूवमेंट। जब PYNR में ये जो जोन है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको अगर ऊपर जाना है तो वो आपको इस जोन के ऊपर जाके क्लोज देना पड़ेगा। बट इन द मीन टाइम कमिंग डेज में अगर 0.57 के आसपास आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, मिलता है तो आप लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं। डॉलर कैंडी में भी आप देखोगे एग्जैक्टली पिन बार नहीं हुआ, लेकिन पिन बार इसीलिए नहीं हुआ, आप देखोगे कि लेंथ ऑफ द वीक इज नॉट डबल द लेंथ ऑफ द बॉडी। जैसे यहाँ पे देखोगे आप लेंथ ऑफ द वीक इज मोर देन द डबल ऑफ द बॉडी, लेकिन डॉलर कैंडी में लेंथ ऑफ द वीक इज नॉट डबल द लेंथ ऑफ द बॉडी। सो इट्स नॉट ए पिन बार और आपका हैमर, बट यहाँ पे प्राइस रिसेशन हुआ है ऑन द लोअर एंड। दैट मीन द केस कल के हाई के ऊपर हम एक अपवर्ड टेम्पोररी या शॉर्ट टर्म अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। $80 में हम देखेंगे कल ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर गया है, अभी एनी डिप में बी बॉट फॉर एन अपवर्ड जर्नी। डॉलर CNH में आप देखोगे कि ये लेवल पे आप प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे एक आपका अपवर्ड अपटिक या अपवर्ड एक रिट्रेसमेंट का इंतजार रहेगा, उसके बाद सेल ऑफ होगा तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए हेल्दी सेल ऑफ। यूके ऑयल में हम देखेंगे कि कल प्राइस कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे जब तक ये 99.99.30 ऑन द हायर साइड, 88.88.88.90 ऑन द लोअर साइड, आइदर साइड ब्रेक आउट नहीं करता है तब तक प्राइस इसके बीच में ही हिचकोले खाते रहेंगे। उसके बाद US 10-year ट्रेजरी में आप देखोगे कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया है, तो बेसिकली यहाँ पे हम एक अपटिक के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन वैसा कुछ अपटिक ज्यादा कुछ नहीं दिया आपका। 14th of November को एक अपटिक देके फिर अब हायर लेवल्स पे ही सेलर्स आ चुके थे, तो यहाँ पे एक हमें हल्का सा कंटिन्यूएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड द प्रोबेबल सपोर्ट एरिया हो सकता है आपका 3.58 से 3.60 के बीच में। सो डेली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में एक कोट शेयर किया था, व्हाट इट मींस, इट मींस अ लॉट। जनरली हम लोग जब ट्रेडिंग चालू करते हैं, थोड़ा बहुत सीखते हैं, तो हमें लगता है कि कैसे 1 रुपया का 2 रुपया किया जाए, 2 रुपया का 4 रुपया किया जाए, 4 रुपया को 10 रुपया किया जाए, 50,000 को 1 लाख किया जाए, 1 लाख को 3 लाख किया जाए, 3 लाख को 10 लाख किया जाए, 10 लाख को 50 लाख किया जाए, वही हम सोचते रहते हैं। वेयर इज द एक्चुअली एक जर्नी, एक सर्टेन पीरियड के जर्नी के बाद सभी ट्रेडर्स को ये पता चल जाता है कि मनी कैनॉट बी सिंपली मल्टीप्लाइड इन नंबर्स, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में जाता है। दैट बीइंग द केस प्रोफेशनल्स उसके बाद उनका थिंकिंग आता है कि मैं कितना पैसा बनाऊंगा ये मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन मैं कितना लूज करने वाला हूँ या मार्केट को देने वाला हूँ ये मार्केट का बात नहीं है, ये मेरा बात है। मैं जानता हूँ कि बाजार को मैं लॉस करूंगा तो कितना लॉस दे सकता हूँ। सो इट्स अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये अभी के लिए ये जो डेली एनालिसिस है इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।